कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 4,228 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 119 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल 12,327 केसेस हैं। संक्रमण के पूरे काल में अब तक 16,88,224 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और स्वस्थ हो चुके हैं। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की मृत्यु दर्ज की गई है। 12,327 एक्टिव केस में से इस समय 11,959 व्यक्ति होम आइसोलेशन में हैं और कुछ लोग अभी असाइनमेंट के प्रोसेस में हैं। पॉजिटिविटी हम देख रहे हैं प्रदेश में निरंतर बढ़ रही है और कल की जो दैनिक पॉजिटिविटी है वो 1.93% रही है, जबकि जनवरी के महीने में ओवरऑल पॉजिटिविटी पहले 7 दिन में हमने 1.04% देखा है। कल प्रदेश में 2,19,256 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 9,42,09,031 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल आरटीपीसीआर की जांच के लिए जनपदों से प्रयोगशालाओं को 1,20,344 सैंपल्स भेजे गए। वैक्सीनेशन के कार्य में निरंतर तेजी आ रही है और तीव्र गति से प्रदेश में वैक्सीनेशन चल रहा है। कल तक हम 18 साल से ऊपर के उम्र के लोगों में से 13,05,003,000 व्यक्तियों को पहली डोज लगा चुके थे, जो कि कुल एलिजिबल पॉपुलेशन का 88.52% है और इनमें से 7,68,83,945 व्यक्तियों को दूसरी डोज भी लग चुकी है, जो 52.15% है। कुल मिलाकर कल तक 18 साल से ऊपर की आयु में 20,73,86,945 डोजेज लगाई जा चुकी थी और जहां तक 15 से 18 साल के बच्चों का प्रश्न है, उसमें भी अब हम 12,16,167 बच्चों को पहली डोज लगा चुके हैं, जो कुल कोहोर्ट का, जो कुल बच्चों को जो लगनी है, उसका 8.68% है। कुल मिलाकर कल 17,20,551 डोजेज लगाई गई थी। संक्रमण बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है कि हम सावधान रहें और अपने को सावधानी पूर्वक हम संक्रमण से बचा कर रखें। इसके लिए अपने हाथ को हम बार बार साबुन पानी से साफ करें, मुंह और नाक को हम मास्क से ढककर रखें और लोगों से दूरी बनाकर रखें। भीड़ भाड़ वाली जगहों में हम बचें जाने से और ऐसे आयोजन भी न करें जिसमें भीड़ भाड़ होती हो। चूंकि इस समय संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है तो अच्छा होगा कि हम कुछ ऐसे कार्य भी करें जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जैसे योग, व्यायाम, प्राणायाम आदि। गर्म पानी का सेवन कीजिए और गर्म पानी से गरारा भी कीजिए और स्टीम को इनहेलेशन करें। इन सब चीजों से आपको राहत मिलेगी और अगर संक्रमण आता भी है तो भी बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा। नीम की पत्तियों का सेवन कीजिए, अजवाइन के अर्क का सेवन करिए और जो भी ऐसी चीजें हैं जिनसे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, उन सब का सेवन करिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में अपना योगदान दीजिए। अपना टीकाकरण जरूर करवाइए, टीकाकरण प्राण रक्षक है। इस बार के वेव में हम ये देख रहे हैं कि लोग संक्रमित तो हो रहे हैं लेकिन उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं के बराबर पड़ रही है और वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोगों ने, अधिकांश लोगों ने अपना टीकाकरण करवा लिया है।
जिन लोगों ने अपना टीकाकरण नहीं करवाया है वो तुरंत अपना टीकाकरण कराएं, अपनी पहली डोज लगवाइए अगर बची हुई है, और अगर पहली डोज के बाद आपका दूसरा डोज ड्यू हो गया है तो अपनी दूसरी डोज तुरंत लगवाइए। अगर आप अपना टीकाकरण करवा लेंगे और सावधानियां बरतेंगे तो आप संक्रमण से सुरक्षित रहेंगे। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, किसी प्रकार की दुविधा हो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर फोन कीजिए। स्वस्थ रहिए, सब परिवार संक्रमण मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए।